दोस्तों नमस्कार, मैं शील खन्ना ई टेक्निकल जिज्ञासा से आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैंने आपको जो लास्ट वीडियो बनाया था कारोगेशन सीरीज के अंदर, उसके अंदर मैंने आपको जो बताया था कि कुछ हमारे डिज़ाइन स्टैंडर्ड होते हैं। जब भी हम बॉक्स बनाते हैं, हम कुछ डिज़ाइंस को फिक्स करते हैं और कुछ डिज़ाइन ऐसे हैं जो कि हम अपने हिसाब से इस तरह से बनाते हैं कि हमारा जो बॉक्स है वो रिजेक्ट ना हो। तो इसलिए हम जो वो स्टैंडर्ड बनाते हैं, आज हम उसी स्टैंडर्ड के बारे में डिस्कस करते हैं कि वो जो डिज़ाइन स्टैंडर्ड है वो क्या है और उसका क्या यूज है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये डिजाइन स्टैंडर्ड मैंने खोला हुआ है जिसके अंदर सारे जो हमारे डिजाइन है उसके स्टैंडर्ड हमने डिफाइन किए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि जो सबसे पहला है हमारा ओपन टॉलरेंस ऑन डायमेंशन। अब दोस्तों, ये टॉलरेंस क्या होती है? जब भी हम कोई बॉक्स बनाते हैं उसकी जो हमें डायमेंशन दी होती है लेंथ वेथ हाइट, उस लेंथ वेथ हाइट की जो डायमेंशन है उसके अंदर कुछ टॉलरेंस होती है जो कि हम डिफाइन करते हैं कि अगर हमारा 3 प्लाई का बॉक्स है तो वो प्लस माइनस 3 होगी, अगर हमारा 5 प्लाई का बॉक्स है वो प्लस माइनस 5 होगी, और अगर हमारा 7 प्लाई का बॉक्स है तो वो प्लस माइनस 7 होगी। इस प्लस माइनस 3 का मतलब ये है कि सपोज हमारा बॉक्स की जो लेंथ है वो 100 mm है, और टॉलरेंस का मतलब ये है कि 100 mm के अगेंस्ट हम 103 mm भी कर सकते हैं, 97 mm भी कर सकते हैं। तो मतलब ये प्लस माइनस 3 की टॉलरेंस है। ऐसे ही 5 प्लाई में ये प्लस माइनस 5 की टॉलरेंस है। और ये जो हम डिफाइन कर रहे हैं, ये अगर आप देखेंगे जो इंडियन स्टैंडर्ड है 2771 पार्ट 1, ये 1990 के अंदर ये एक स्टैंडर्ड बनाया था। और मैं आपको ये स्टैंडर्ड भी दिखाता हूँ कि इस स्टैंडर्ड के अंदर जो टॉलरेंस है वो कितनी उन्होंने डिफाइन कर रखी है, हमने ये उसी के हिसाब से लिया हुआ है। तो चलिए मैं आपको ये स्टैंडर्ड भी दिखाता हूँ। स्टैंडर्ड दिखाने के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे, गूगल में सर्च करेंगे IS 22771, ये आपके सामने स्टैंडर्ड आ जाएगा पार्ट 1 जो भी हम देख रहे थे, कारोगेटेड फाइबर बोर्ड बॉक्सेस। इसको आप क्लिक करिए। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपके सामने ये स्टैंडर्ड आ जाएगा। ये देखिए इंटरनेट मानक, ये पूरा स्टैंडर्ड खुल के आ गया आपके सामने जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो इसमें आप लास्ट में जाएंगे 25 नंबर पेज के ऊपर, ये 25 नंबर पेज है। ये देखिए, ये कारोगेटेड फाइबर बोर्ड बॉक्सेस स्पेसिफिकेशन, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे इसके अंदर आपको सारे कारोगेटेड बॉक्स से रिलेटेड पूरे स्टैंडर्ड मिल जाएंगे आपको। ये आप देखिए, अब इसके अंदर जो भी हम देख रहे थे टॉलरेंस वाला पार्ट, अब मैं आपको उसमें टॉलरेंस वाला पार्ट दिखाता हूँ कि टॉलरेंस हमारी कितनी होनी चाहिए। ये देखिए दोस्तों, ये आ रहा है डायमेंशन एंड टॉलरेंस। इसमें इसने ये बताया हुआ है जो हमारे स्टैंडर्ड है कि लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, हाइट क्या है। तो इसमें टॉलरेंस कितनी है ये आप देख रहे हैं यहाँ पर 6.2 द नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग टॉलरेंस ऑन द इंडिविजुअल इंटरनल डायमेंशन ऑफ द इरेक्टेड असेंबल्ड बॉक्स शेल बी एज अंडर, प्लस माइनस 3 mm फॉर 3 प्लाई बॉक्स, प्लस माइनस 5 mm फॉर 5 प्लाई बॉक्स एंड प्लस माइनस 7 mm फॉर 7 प्लाई बॉक्स। तो ये एक IS 2771 पार्ट 1 1990 का है, इसके अंदर ये इन्होंने मेंशन किया हुआ और इसी को ही हम फॉलो कर रहे हैं अपने स्टैंडर्ड के अंदर, जैसा कि आपने ये देखा। अब दोस्तों आता है इसके बाद नेक्स्ट, ओपन टॉलरेंस फॉर GSM, जो हमारे पेपर की जो ग्रामेज होती है उसके अंदर भी टॉलरेंस होती है। उसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। सपोज आपने 140 ग्राम का पेपर लिया, क्राफ्ट पेपर लिया मिल से। अब जब पेपर बनता है मिल के अंदर, कई मिल तो बिल्कुल एक्यूरेट बनाती हैं कि अगर 140 ग्राम का पेपर है तो 140 ग्राम के आसपास बनता है, लेकिन जब मिल के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होती है पेपर की तो उसके अंदर टॉलरेंस आ जाती है। टॉलरेंस का मतलब वो जो 140 ग्राम का पेपर है वो 135 तक भी जा सकता है और 145 तक भी जा सकता है, इसलिए वो टॉलरेंस दी हुई है उन्होंने, ताकि अगर इससे नीचे चला जाएगा तो हमारा पेपर रिजेक्ट हो जाएगा। अगर विद इन टॉलरेंस होगा वो, तो वो टॉलरेंस के अंदर वो पेपर एक्सेप्ट हो जाएगा। अब वो जो टॉलरेंस है वो अपनी डिफाइन कर देंगे कि हमें कोई पेपर चाहिए तो हम उसको बोलते हैं कि वो हमारा प्लस माइनस 10 होना चाहिए या प्लस में 10 होना चाहिए या माइनस में 10 होना चाहिए। लेकिन हमने जो अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से बना रहे हैं, हम उसमें कह रहे हैं कि हमारा जो पेपर है, अगर हम 140 ग्राम का पेपर मंगा रहे हैं तो वो प्लस में तो जा सकता है लेकिन माइनस में नहीं चाहिए हमें। ये हम एक्सपीरियंस के हिसाब से, इसका जो बेसिस है
जैसे पहला हमने जो बेसिस लिया था वो हमने लिया था आईएएस स्टैंडर्ड, लेकिन इसके अंदर कोई आईएएस का स्टैंडर्ड नहीं है, तो हम ये अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ये स्टैंडर्ड बना रहे हैं कि जो हमें पेपर चाहिए वो हमें प्लस में चाहिए, माइनस में नहीं चाहिए। अगर 140 ग्राम का पेपर लेंगे तो वो 150 तो हो सकता है लेकिन 130 ग्राम नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी आप इसको अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपने बस्टिंग स्ट्रेंथ में टॉलरेंस ले रखी है तो आप इसके अंदर भी प्लस माइनस कर सकते हैं। तो ये जीएसएम की टॉलरेंस है जो कि ओपन टॉलरेंस फॉर जीएसएम है। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट में आते हैं, ओपन टॉलरेंस फॉर बीएफ। बीएफ मींस बस्टिंग फैक्टर ऑफ पेपर। दोस्तों बस्टिंग फैक्टर क्या होता है, जो भी पेपर होता है उस पेपर को पंच करेंगे, अगर उसके अंदर हम एक होल करेंगे उसको हम फाड़ेंगे, उसको फाड़ने में जो ताकत लगती है, जो होल बनाने में जो ताकत लगती है उसको हम बस्टिंग फैक्टर बोलते हैं। और ये जो है ये मैं आपको मशीन के ऊपर प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा। तो पेपर का जो बस्टिंग फैक्टर होता है, ये मैंने आपको बताया कि बस्टिंग फैक्टर पेपर को पंच करने में जो प्रेशर लगता है उसको हम बस्टिंग फैक्टर बोलते हैं। इस तरह से आप देखते हैं कि जो पेपर होते हैं हमारे वो 18 बीएफ, बीएफ मीन्स बस्टिंग फैक्टर, 20 बीएफ, 22 बीएफ के आते हैं। अब ये जो बीएफ होती है पेपर की, इसके अंदर हमने जो डिफाइन किया है जो हमारा टॉलरेंस है वो प्लस माइनस 1 है। इसका मतलब ये होगा कि जो पेपर का बीएफ है वो अगर हमारे पास 20 बीएफ का आ रहा है तो उसके अंदर हम 19 का भी ले सकते हैं, 21 का भी ले सकते हैं, उसकी जो हमारी टॉलरेंस, हमारा जो स्टैंडर्ड है वो हमारा प्लस माइनस 1 है। ये भी इसका कोई आईएस स्टैंडर्ड नहीं है, हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो बॉक्स की हमने प्रोडक्शन करनी है उसके हिसाब से हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। और ये जो हम डिफाइन कर रहे हैं इसी को हम फॉलो करेंगे ताकि जो हमारे बॉक्स की जो बस्टिंग स्ट्रेंथ आएगी वो रिजेक्ट ना हो। जब भी हम डब्बे की कॉस्टिंग करेंगे, जब डब्बे की हम शीट बनाएंगे जिसके अंदर हम स्पेसिफिकेशन फाइनल करते हैं, जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था, वो हम इसके इसको इसके अंदर हम चेक करके फिर हम उसको बनाएंगे स्पेसिफिकेशन पे। अब दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है टाइप्स ऑफ फ्लूड्स। अब जो अपने मैंने आपको पहले भी अपने वीडियो में बताया हुआ है कि जो फ्लूड्स होती है हमारे पास कई तरह की होती है, जैसे ए फ्लूड, बी फ्लूड, सी फ्लूड, ई फ्लूड, इस तरह के फ्लूड्स होती है। अब इस फ्लूड्स के भी एक स्टैंडर्ड बने हुए हैं IS 2771, जो कि मैंने आपको अभी दिखाया था। अब इस स्टैंडर्ड को भी हम चेक करते हैं। जैसे सबसे पहले हमारी जो टाइप है वो ए टाइप है। ए टाइप को हम ब्रॉड बोलते हैं। ब्रॉड का मतलब इसकी जो फ्लूड्स होती हैं ये थोड़ी सी बड़ी होती हैं, चौड़ी होती हैं, और इसके लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, मैंने वीडियो के अंदर पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है इसके बारे में। अब दोस्तों जो ब्रॉड होती है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था, इसमें जो नंबर ऑफ कॉरोगेशन होती है, जो फ्लूट्स होती है 30 सेंटीमीटर के अंदर, अगर हम स्केल से 30 सेंटीमीटर नापेंगे तो उस 30 सेंटीमीटर के अंदर ये आपको 32 से 38 के बीच में मिलेंगी। नाली जो बनी होती है, जो फ्लूट बनी होती है, अगर उसको आप काउंट करेंगे वो आपको 32 से 38 के बीच में मिलेंगी। और इसका जो डिटेल होती है ए ब्रॉड, ए टाइप की, वो होती है यूज्ड व्हेन स्टैकिंग स्ट्रेंथ और कुशनिंग इज द प्राइमरी कंसर्न। ये मैंने आपको वीडियो में भी बताया हुआ था कि किस तरह से जो स्टैकिंग पावर होती है, जब ट्रांसपोर्ट के अंदर डब्बा जाता है, जब एक डब्बे के ऊपर दूसरा डब्बा, दूसरे डब्बे के ऊपर तीसरा डब्बा रखा जाता है, तो वो स्टैकिंग पावर होती है। स्टैकिंग पावर का मतलब जब जो टॉप वाला डब्बा है, जो फोर्थ डब्बा है, उसके नीचे तीन डब्बे और पड़े हैं, तो जो सबसे नीचे वाला डब्बा है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा वेट पड़ता है, उसको हम बोलते हैं स्टैकिंग पावर। तो वो जो स्टैकिंग पावर में अगर हम कंसर्न देखते हैं, अगर हमारे को ध्यान स्टैकिंग पावर के ऊपर है, तो हम उसके अंदर ब्रॉड फ्लूट का यूज करते हैं जो कि हमारी ए टाइप होती है। और इसका अगर आप स्टैंडर्ड देखना चाहते हैं तो आप वही स्टैंडर्ड के अंदर आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो मैंने स्टैंडर्ड खोला हुआ है इसके अंदर आपको ये डिटेल मिल जाएगी। ये देखिए कॉरोगेशन फ्लूट्स, ये आप पढ़ सकते हैं टेबल वन के अंदर, टाइप्स ऑफ फ्लूट्स ए ब्रॉड, इसमें लिखा हुआ है जो 30 सेंटीमीटर है इसमें 32 to 38 तक होनी चाहिए, और हाइट ऑफ द कॉरोगेशन एक्सक्लूसिव ऑफ लाइनर्स 4.2 to 4.6 होनी चाहिए। इसी तरह से बी में आप देखेंगे 50 to 56 है, सी में जो है वो 36 to 43 है, और ई माइक्रो के अंदर जो है वो 90 to 96 है। ये हमारा इंडियन स्टैंडर्ड में भी डिफाइन किया हुआ है और ये चीज़ हमने यहाँ पर मैंशन करी हुई है। और इसी तरह से दोस्तों बी में अगर आप देखेंगे, जो कि नैरो होती है, उसके अंदर अगर आप 30 सेंटीमीटर में उसके फ्रूट्स नापेंगे तो आपको 50 to 56 मिलेंगे। ये हम डिफाइन कर देंगे। और अगर आपकी मशीन के हिसाब से कुछ इसमें प्लस माइनस वेरिएशन आ रहा है तो आप इसको यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, और जब भी आप बॉक्स बनाएंगे, फ्रूट बनाएंगे, आप उसको अपने स्टैंडर्ड से
चेक करेंगे। इसी तरह से जो सी है, सी टाइप, इसके अंदर हमारी जो फ्लूइड्स होंगी वो 36 to 43 होती है, और जो ई टाइप है इसके अंदर हमारी जो फ्लूइड्स होती है ये 90 to 96 होती है। और इसी तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये सब अपने IS 2771 जो हमारा स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से हमने सारा इसको मेंशन किया हुआ है। और ये जो ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, ई टाइप की फ्लूइड्स की जो डिटेल्स है ये मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताई हुई है, आप वहां से जाके सारा चेक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ स्टेपल्स। स्टेपल जो है एक बॉक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब भी दो बॉक्स बनाते हैं उसके जो जॉइंट होते हैं वो हम स्टेपल के थ्रू ही उसको जोड़ते हैं, हम बॉक्स को स्टिच करते हैं, और स्टिच बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए ताकि हमारा बॉक्स वहां से फट ना जाए। तो दोस्तों जो स्टेपल होते हैं इसके भी स्टैंडर्ड बने हुए हैं। अब दोस्तों इसके स्टैंडर्ड क्या है, अब सबसे पहले आप देखिए वेट, विड्थ ऑफ लैप इज मिनिमम 30 mm और पिच उसकी 25 to 60 mm होनी चाहिए। अब दोस्तों ये लैप क्या है, विड्थ ऑफ लैप, ये मैं आपको बताऊंगा कि विड्थ ऑफ लैप क्या होता है। दोस्तों जैसा कि आप ये इस पिक्चर में देख रहे हैं इसके अंदर जो लैप होता है मिनिमम 30 mm, ये होता है, ये वाला ये जो पार्ट आप देख रहे हैं जिसके अंदर हम पिन लगाते हैं, ये मिनिमम 30 mm चाहिए, मतलब 1 इंच से कम नहीं होना चाहिए। बाकी जैसे जैसे डब्बे की डायमेंशन बढ़ती जाती है, डब्बा बड़ा हो जाता है, इसको हम 1 इंच से बढ़ाकर इसको तकरीबन हम 2 इंच पर ले आते हैं। तो ये जो लैप होता है ये बताया गया कि 30 mm कम से कम होना चाहिए। अगर आप इसका स्टैंडर्ड देखेंगे, और दोस्तों ये तो देख रहे हैं ना गैप एट कॉर्नर्स 10 to 25 mm, कॉर्नर्स का मतलब जब आप यहाँ से स्टेपल कर रहे हैं तो कम से कम 10 mm का आपको गैप देना पड़ेगा, यहाँ पर नीचे से भी और ऊपर से भी। और इसके अंदर आप देख रहे हैं अगर इसका जो डिटेल्स है, फॉर सिंगल स्टेपल डन व्हेन आइदर नंबर ऑफ प्लाई इज 3 और हाइट ऑफ बॉक्स इज मोर देन 150 mm, ये इसमें लिखा हुआ है। और इसी तरह से अगर आप इसका स्टैंडर्ड देखेंगे, मैं आपको उसका स्टैंडर्ड भी दिखाता हूँ, इसके स्टैंडर्ड में अगर आप देखेंगे पिन के डिटेल तो वहां भी ये मेंशन किया होगा। ये देखिए मैन्युफैक्चरर्स जॉइंट, द मैन्युफैक्चर जॉइंट मे बी मेड आइदर बाय ए लैप और बाय बोटिंग द एजेस एज एग्री टू द बिटवीन द परचेजर एंड द सप्लायर। लैप जॉइंट, द जॉइंट मे आइदर बी स्टिच्ड और ग्लूड, इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों कि जो जॉइंट लगाएंगे वो हम स्टेपल से स्टिच कर सकते हैं और गम से उसको हम पेस्ट भी कर सकते हैं। वो जो हमारे सप्लायर और बार के बीच में जो भी एग्रीमेंट होगा या जो हमारी स्पेसिफिकेशन में मेंशन होगा उसको हम यूज करेंगे। तो जब आप इसको स्टिच करेंगे तो देखिए इसमें मेंशन किया हुआ है, द विड्थ ऑफ द लैप शेल नॉट बी लेस देन 30 mm, जैसा कि मैंने आपको अभी पिक्चर में दिखाया है। तो वायर स्टेपल्स और स्टिचेस शेल बी नॉट मोर देन 60 mm अपार्ट इन ईच रो एंड फर्स्ट रो एंड लास्ट नॉट फर्दर देन 25 mm फॉर द बिगनिंग एंड द एंड ऑफ द जॉइंट। ये चीज मैंने आपको भी यहाँ बताई है कि जो टॉप और बॉटम में होगा वो हमें 25 mm तक लेना है, 10 to 25 mm के बीच में, और इसके बीच में जो गैप है हमारा वो कम से कम ये जो हमारा लैप है ये 30 mm होना चाहिए। तो इस तरह से जो स्टेपल है इसका भी आपने स्टैंडर्ड देख लिया कि हमारा स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। दोस्तों अगर इस स्टैंडर्ड को आप फॉलो करेंगे तो आपके डब्बे में कभी भी रिजेक्शन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट आया है दोस्तों वो है हमारा टाइप ऑफ पेपर। अब जो हम पेपर यूज कर रहे हैं उस पेपर के अंदर हमारा क्राफ्ट है, सेमी क्राफ्ट है, डुप्लेक्स है, ये डिपेंड करता है हमारे कस्टमर के साथ क्या एग्रीमेंट हुआ है या हमारी क्या स्पेसिफिकेशन फाइनल हुई है। और अगर आप क्राफ्ट पेपर का भी देखेंगे अगर उसकी बस्टिंग स्ट्रेंथ मोर देन 8 है उसके हिसाब से आप क्राफ्ट पेपर यूज कर सकते हैं, अगर वो 8 or 8 से नीचे है तो आप सेमी क्राफ्ट यूज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे जो स्टेपल मार्जिन है एक पिन के और दूसरे पिन के बीच का जो गैप होना चाहिए वो 1 inch or 2 inch के बीच में होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो दो जो यहाँ पे हम पिन लगाएंगे उसके बीच का जो गैप है वो कम से कम 1 inch तो होना चाहिए। बाकी अगर डब्बे की जो हाइट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर डब्बा बहुत बड़ा है तो आप 1 inch से थोड़ा सा प्लस करके उसको 2 inch तक मैक्सिमम जा सकते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट है कटिंग मार्जिन। अब दोस्तों जब भी हम कोई कटिंग करते हैं बॉक्स की, अगर हम इसका ये बॉक्स हम बना रहे हैं और इसके चारों तरफ हमें जो कटिंग मार्जिन देना है लेंथ में और विड्थ में वो हमें कम से कम 1/2 inch का दोनों तरफ से देना पड़ेगा कम से कम, ताकि उस बॉक्स को बनाने में उसकी फिनिशिंग आ जाए। और ये भी जो है ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहे हैं कि जो भी हम बॉक्स बनाएंगे उसके अंदर 1/2 inch का कटिंग मार्जिन होना चाहिए।
उसके बाद दोस्तों जो कटिंग मार्जिन बॉक्स के लिए है, जो हम बॉक्स के लिए बनाते हैं लेंथ और विड्थ के अंदर, अगर हम उसकी डायमेंशन आईडी देखते हैं, इंटरनल डायमेंशन देखते हैं, तो वो हमें प्लस 5 होनी चाहिए 5 प्लाई के लिए, और उसकी 7 mm होनी चाहिए 7 प्लाई के लिए, और 2 mm होनी चाहिए 3 प्लाई के लिए, 2 या 3 mm होनी चाहिए 3 प्लाई के लिए। और दोस्तों अगर हम मैश बनाते हैं, मैश भी मैं आपको बताऊंगा, जो जाली होती है उसमें जो वो जो मैश का जो साइज होता है उसी के हिसाब से हम उसको मेंटेन करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से देखा आपने, ये जो हमने डिज़ाइन स्टैंडर्ड है ये हमने बनाया है। और दोस्तों इसके अलावा अगर आप और भी कोई बनाना चाहते हैं, अगर इसके अलावा आपको कोई रिक्वायरमेंट आती है, आप यहाँ पर डिज़ाइन स्टैंडर्ड में आप भी यहाँ मेंशन करके उसको ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने जो पिछले वीडियो में बताया था, जो डिज़ाइन स्टैंडर्ड है, हम डिज़ाइन स्टैंडर्ड के हिसाब से चलते हैं, वो डिज़ाइन स्टैंडर्ड यही है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करे हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टैंडर्ड समझ में आ गए होंगे। इसके बाद भी अगर आप कोई मेरे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दीजिए, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।